हाय फ्रेंड्स, लेट्स सी रीजन फीलिंग। तो ये जो है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन है, उसका एक्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है। वहाँ पे क्या था कि मैक्सिमम वहाँ पे वन एलिमेंट से, वहाँ पे जो हमें जो उसकी बाउंड्री थी वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी, जो हमने देखा था पहले। बट रीजन फीलिंग में क्या होता है कि हमें बाउंड्रीज दी होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस बाउंड्रीज के अंदर हमें फील करना होता है वन से, ठीक है। सपोज क्वेश्चन इसमें आएंगे तो ऐसे आएंगे, ये जो बाउंड्री होगी वो डार्क से होगी, शेडेड, या फिर लाइट से, और उसमें लिखा होगा, और इसमें जो बाकी जो ब्लैंक है वो जीरोज हैं, ठीक है। तो इसका मेन ये है कि तो वहाँ पे बाउंड्री हम कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पे बाउंड्री दी हुई है और बाउंड्री को फिल करना है। मतलब ये रीजन फिलिंग परफॉर्म करने के बाद हमारा ये जो बाउंड्री के अंदर जितने ब्लैंक स्पेसेस हैं सारे वन से फिल होने चाहिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। और बाकी ये ब्लैंक एलिमेंट जीरो, और इसमें रीजन फिलिंग में हमेशा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज करेंगे वो क्रॉस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में वंस होते हैं, बाकी जीरो होते हैं, ठीक। तो ये बेसिक है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम, इसका फॉर्मूला है एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन डायलेशन ऑफ बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि एक्स नॉट होगा वो हमारा इमेज होगा, ठीक, एक्स नॉट इमेज होगा, बी हमें पता है और ए हमें पता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे, वन को जीरो और जीरो को वन प्लेस कर देंगे, तो इससे हमारा वन फाइंड हो जाएगा। एक्स वन, एक्स वन यहाँ पुट करेंगे तो एक्स टू फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ परफॉर्म करते जाएंगे जब तक अगर कोई प्रीवियस और नेक्स्ट अगर इक्वल ना हो जाए, तब तक हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा एलिमेंट, ये ही हमारा रीजन फीलिंग आएगा, ठीक। तो कुछ स्टेप्स या फिर देख लेते हैं इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक, और इस फॉर्मूले को यहाँ लिख ले रहे हैं। ये एक स्टेप करना भी बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। ये थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आ सकता है, आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये इसी में फिल करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नॉट है, पहले एक्स वन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पहले एक्स नॉट है, एक्स नॉट ये इमेज है, स्टार्टिंग में एक्स नॉट को हम इमेज के इक्वल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें डायलेशन करना है इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट से इसको, ठीक है। तो डायलेशन स्टार्ट करेंगे, तो पता है जहाँ भी सिंगल इमेज करेगा वहाँ पे हम सेंटर पे वन लिख देंगे, ठीक। तो अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर अगर हम लेंगे तो वो कोई मैच ऐसे करेगा नहीं कर सकता है एक्चुअली। यहाँ पे अगर इस तरीके से हमने एलिमेंट को लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वन मैच कर रहा है, तो सेंटर पे हमारा वन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे सेंटर पे वन हो जाएगा, इसको लेंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ये इससे यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर अगर ये आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा, ये इससे यहाँ भी हो जाएगा, इससे डाउन भी हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट था ना पहले, तो ये है, इससे यहाँ पे हो जाएगा, इससे भी राइट में हो जाएगा, एंड अगर ये यहाँ प्लेस हो तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और ये यहाँ भी हो जाएगा, ये यहाँ भी हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे प्लेस है तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ प्लेस है तो नीचे भी हो जाएगा, ये सारे नीचे और ऊपर हो जाएंगे और लेफ्ट और राइट भी हो जाएंगे, ठीक। ये सेंटर बचेगा, ये सेंटर बचेगा, और यहाँ इमेज ऐसा, मतलब जो भी हम पे बाउंड्री थी ना उसके लेफ्ट राइट और अप डाउन में हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, अलग इमेज बना लेंगे, जहाँ पे पहले वन था वहाँ पे जीरो, जहाँ पहले ब्लैंक था वहाँ पे वन पुट कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों अगर सेम है, मतलब अगर वन वन है तो वन होगा, बाकी अगर डिफरेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिमिलरली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग है और कल एग्ज़ाम भी है। सो ये रीजन फीलिंग हुआ। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।